तो चलिए बात करते हैं हम ब्लिस्टर पैकेजिंग के बारे में। देखिए ब्लिस्टर पैकेजिंग, यहाँ पर मैं साइड में आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, तो इस फोटो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होती है। यहाँ पर जो ये पैकेजिंग होती है बेसिकली दो पार्ट से बनी हुई होती है, एक होती है कैविटी और दूसरा होता है लीडिंग। कैविटी वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारी टेबलेट जो होती है वो, या हमारी जो भी ड्रग है, टेबलेट है या कैप्सूल है, वो लगी हुई होती है। इट इज कॉल्ड कैविटी। कैविटी मतलब स्थान, अगर हिंदी में बोले तो जगह। और एक होता है लीडिंग, जो उसको लीड करता है, मतलब उसको जो सील करता है, इट इज कॉल्ड लीडिंग वाला पार्ट होता है, जिसमें पूरा फॉर्मुलेशन लिखा हुआ होता है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सभी चीज़ें मेंशन होती है, जो उसको एक तरीके से कैविटी को सील करता है, इट इज कॉल्ड लीडिंग। और कैविटी वो पार्ट होती है जहां पर हमारी ड्रग जो होती है वो रखी हुई होती है। तो ब्लिस्टर पैकेजिंग दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, लीडिंग और कैविटी। अगर हम बात करें ब्लिस्टर पैकेजिंग की, तो इसके अगर हम टाइप्स या इसको क्लासिफाइड करें तो बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड की जा सकती है। फर्स्ट इज थर्मोफॉर्मिंग और सेकेंड इज कोल्ड फॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग और कोल्ड फॉर्मिंग, ठीक है। तो थर्मोफॉर्मिंग के अंदर दो टाइप आते हैं, अंबर एंड ट्रांसपेरेंट। तो अंबर कलर की अगर ब्लिस्टर पैकेजिंग है, इट इज कॉल्ड अंबर। और ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आपको टेबलेट जो है, आपकी जो ड्रग है, वो ट्रांसपेरेंट दिख जाती है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल सिंपल है, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों जो है वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड थर्मोफॉर्मिंग, ठीक है। और एक है कोल्ड फॉर्मिंग। कोल्ड फॉर्मिंग का टाइप है अलू अलू टाइप। देखिए अलू अलू टाइप का मतलब होता है जहां पर दोनों टाइप, मतलब कैविटी, इसमें कोई कैविटी और लीडिंग नहीं होती है, यहां पर दोनों तरफ जो होगी ना वो एल्यूमिनियम फॉइल होगी। साइड में मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूं, तो फोटो देख के आप समझ जाएंगे कि अलू अलू टाइप क्या होती है। इसमें दोनों तरफ बेसिकली आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल होती है या पेपर की फॉइल हो सकती है, इसमें किसी टाइप की कैविटी नहीं होती है। यूज़ मैं इसका ये भी बता दूं कि अलू अलू टाइप क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जहां पर पानी गिर जाता है, या पानी, या हम कह सकते हैं कि एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए अलू अलू टाइप की पैकेजिंग की जाती है। यहां पर वाटर का जो है ट्रांसमिटेंस नहीं हो पाता है आपकी ड्रग तक, तो उस जगह पर जहां पर पानी बहुत गिरता है, या सीधे सीधे शब्दों में बोले तो पानी से बचाने के लिए जो टाइप की पैकेजिंग की जाती है, इट इज कॉल्ड अलू अलू टाइप पैकेजिंग, ठीक हो गई बात। तो यहां पर इसके बेसिकली अगर ब्लिस्टर पैकेजिंग के टाइप बात की जाए तो दो टाइप है, थर्मोफॉर्मिंग और कोल्ड फॉर्मिंग, और इनके भी अलग अलग टाइप है। थर्मोफॉर्मिंग के अंदर आता है अंबर एंड ट्रांसपेरेंट, और कोल्ड फॉर्मिंग के अंदर आता है अलू अलू टाइप, ठीक है। उन तीनों को अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो यही तीनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अगर आपको मिले ट्रांसपेरेंट टाइप ब्लिस्टर पैकेजिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लिस्टर पैकेजिंग जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वो एक होता है कैविटी, दूसरा होता है लीडिंग। अगर इसको हम थोड़ा सा और तोड़ दें और थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक वे में देखें, तो साइड में आपको मैं आपको स्लाइड भी दिखा रहा हूं, तो ये चार तरीकों से बनी हुई होती है, मतलब चार अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलके जो हमारी ब्लिस्टर पैकेजिंग जो होती है वो बनी हुई होती है। इसका जो फर्स्ट टाइप है, इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग फिल्म। फॉर्मिंग फिल्म, वही हमारी जो कैविटी होती है, इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग फिल्म। 80-85% जो पैकेजिंग का पार्ट होता है वो होता है फॉर्मिंग फिल्म का। नेक्स्ट होता है लीडिंग मटेरियल, वही लीडिंग जो हमारा कैविटी और लीडिंग जो होता है, तो लीडिंग मटेरियल जिसके ऊपर, और ये जो बाकी का 85% तो फॉर्मिंग फिल्म चला ले गया जो कैविटी वाला पार्ट है, और लीडिंग टाइप जो है, ये लीडिंग मटेरियल जो है बेसिकली जो इसको एक तरीके से पूरी तरीके से कंप्रेस कर देता है या पूरी तरीके से सील करता है, जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, फॉर्मुलेशन लिखा हुआ होता है, इट इज कॉल्ड लीडिंग फिल्म या लीडिंग मटेरियल। उसके बाद होता है हीट सील कोटिंग, जिससे हम इसको सील करते हैं, एंड प्रिंटिंग इंक, जिससे हम पूरा प्रिंट करते हैं। हीट सील कोटिंग के बाद हम प्रिंट, जो भी प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है स्ट्रिप के ऊपर, इट इज कॉल्ड प्रिंटिंग इंक, क्लियर है। साथ में फोटो के थ्रू, मतलब जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं उसके थ्रू भी आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बेसिकली ये चार कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है हमारी ब्लिस्टर पैकेजिंग। अगर सबसे पहले हम बात करें फॉर्मिंग फिल्म के बारे में, तो फॉर्मिंग फिल्म जो होती है बेसिकली उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको देखा जाता है, उसमें होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके टाइप क्या है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी देखी जाती है। उसके अलावा ग्रेड और थिकनेस, देखिए ग्रेडनेस और थिकनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो फॉर्मिंग फिल्म के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन कौन से मटेरियल है, पीवीसी, पीवीडीसी डुप्लेक्स, पीवीसी, पीई, पीवीडीसी ट्रिप्लेक्स, पीवीसी, एएलसीएआर लेमिनेट, तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि फॉर्मिंग फिल्म के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर हम बात करें जो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो फॉर्मिंग फिल्म, जो हमारी कैविटी होती है उसके लिए यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोडक्ट है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर द कैविटी के लिए। इसके अलग जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसकी वजह से ये मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक एक करके मैं उन प्रॉपर्टी को बहुत इजिली और सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रिजिड पीवीसी, लो परमेबिलिटी होती है,
बहुत सस्ता होता है, लो कॉस्ट है, रेजिस्टेंस केमिकली रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है इसका, एक्सीलेंट थर्मोफॉर्मेबिलिटी मतलब थर्मली काफी स्टेबल होता है ये, और इसकी जो थिकनेस होती है खासकर थर्मोफॉर्मेबल मतलब जो थर्मली स्टेबल होता है पीवीसी, उसकी थिकनेस जो होती है वो 10 से 15 mm होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी डीप क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, खासकर पीवीसी की जो प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये सारी वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको डिस्कस करी थी मटेरियल की, बट ये प्रॉपर्टीज हर जगह आएगी, बट इसकी थिकनेस ये आपको याद रखना है कि पीवीसी जो यूज किया जाता है उसकी थिकनेस जो होती है वो 10 से 15 mm होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो थर्मो जो फॉर्मिंग फिल्म है जिसमें कैविटी में हमारी जो टेबलेट है वो आ जाती है, जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसको लीडिंग मटेरियल के साथ कंप्रेस किया जाता है, सील किया जाता है, तो सील करने के लिए कई बार सॉफ्ट मटेरियल का भी यूज़ किया जाता है, या कह सकता हूँ कि जो टिश्यू पेपर्स होते हैं सॉफ्ट उसका भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी जो ड्रग है वो ईजिली पेनिट्रेट होकर बाहर निकल जाए और हम ईजिली ले सकें, तो सॉफ्ट मटेरियल का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो जो इसका पैकेजिंग होती है या इसको कंप्रेस किया जाता है, बेसिकली सील किया जाता है लीडिंग मटेरियल को, तो जो टेम्परेचर रखा जाता है वो होता है 140 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे जो हमारा फॉर्मिंग फिल्म होती है जिसे हम कैविटी कहते हैं उसको लीडिंग मटेरियल से या सील किया जाता है सीधे शब्दों में बोला जाए। तो यहाँ पर जो हम लीडिंग मटेरियल लेते हैं इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो देखी जाती हैं, उसके बाद लीडिंग मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर मैं साइड में उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। और ज़्यादातर लीडिंग अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो इसकी सभी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम ही हैं, चाहे वो कैविटी हो या लीडिंग फॉर्म हो या लीडिंग फिल्म हो, इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम ही हैं, वही जो है हर पैकेजिंग मटेरियल के अंदर हम देखते हैं। तो साइड में मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बताते भी जा रहा हूँ, तो वीडियो को पुश करके हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। देखिए जैसे कि कैविटी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो मटेरियल है वो है पीवीसी, वैसे ही लीडिंग टाइप के लिए मतलब जो कैविटी के ऊपर सील प्रोडक्ट होता है, सील होती है, इट इज कॉल्ड, उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बहुत सारे फायदे हैं और एक एक करके मैं आपको फायदे बताते भी जाता हूँ। इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी ये है, क्योंकि एल्यूमिनियम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, बट इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से आज भी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर एल्यूमिनियम, खासकर स्ट्रिप पैकेजिंग के अंदर, स्ट्रिप पैकेजिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग, यहाँ तो हम ब्लिस्टर पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर एल्यूमिनियम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लीडिंग टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा तो ये है एल्यूमिनियम का कि एल्यूमिनियम जो है वो मार्केट के अंदर आज की डेट में अलग अलग थिकनेस के लिए अवेलेबल है, तो जिस थिकनेस मतलब जिस मोटाई में आपको एल्यूमिनियम की फॉइल चाहिए उस मोटाई में आपको एल्यूमिनियम की फॉइल अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा सबसे अच्छा फायदा यह है कि ये थर्मली स्टेबल होती है। थर्मली स्टेबल का मतलब ये होता है कि हर टेम्परेचर के अंदर ये प्रोडक्ट को स्टेबल बन रखती है, साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ये कटती है ना फटती है, भले टेम्परेचर की कंडीशन जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उस कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखेगी, और चाहे जितना टेम्परेचर कम हो जाए, भले ही बर्फ़ भी गिर जाए तो भी हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखती है। उसके अलावा इसका जो वज़न है वो भी काफ़ी कम होता है, एल्यूमिनियम फॉइल का वज़न काफ़ी कम होने की वजह से हमारी पैकेजिंग का वज़न भी नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव भी है, नॉन टॉक्सिक भी है, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखती है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे पैकेजिंग में अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम ही वो वाला पार्ट है जो पैकेजिंग को काफ़ी कॉस्टली बनाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी है, बट इसके फायदे ज़्यादा होने की वजह से आज भी ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। अब हम ये बात करते हैं कि ब्लिस्टर पैकेजिंग के फायदे क्या हैं, ये आपसे इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, खासकर पैकेजिंग के इंटरव्यूज़ में और जनरल जो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है कि ब्लिस्टर पैकेजिंग के फायदे क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये काफ़ी सस्ती पड़ती है, ईजी है, और इस पैकेजिंग में काफ़ी फास्ट पैकेजिंग होती है क्योंकि मशीनरी काफ़ी फास्ट पैकेजिंग करती है, साथ ही साथ ये हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखती है, एटमोस्फेरिक गैस, टेम्परेचर और सभी से, लाइट से ही हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखती है, और नॉन टॉक्सिक होती है, मतलब किसी भी टाइप का हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ ना प्रोडक्ट का ऑर्डर कलर और टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। पेशेंट जो है वो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ईजीली ले सकता है। अगर हम कंपेयर करें पहले की पैकेजिंग में, तो पहले जो पैकेजिंग हुआ करती थी खासकर फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स की और ड्रग्स की, वो ग्लास की बॉटल्स के अंदर हुआ करती थी। ये ग्लास की बॉटल्स जो थी
वो या तो ट्रांसपोर्ट के दौरान या यूज़ करने में या हमारे घर में भी गलती से फूट जाया करती थी, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी काम का नहीं होता था। क्योंकि आपको पता है कि ड्रग अगर पैकेजिंग से एक बार बाहर आ गई और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती, वो डिग्रेड होने लग जाती है धीरे धीरे करके। जिस वजह से जो एक बार टेबलेट अगर ब्रेक हो गई, मतलब वो जो उसकी कंटेनर है, खासकर जो ग्लास का जो कंटेनर है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो जितनी भी टेबलेट्स उस ग्लास कंटेनर के अंदर है सभी की सभी जो होगी वो खत्म हो जाती थी, डिग्रेड हो जाती थी। बट यहाँ ब्लिस्टर पैकेजिंग का फायदा है कि आप जानते हैं कि अगर आप एक दिन में एक ही टेबलेट निकाल सकते हैं तो उससे क्या होगा कि बाकी की जो टेबलेट्स हैं वो ऐसी की ऐसी पैक रहती हैं और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, खासकर उन कंडीशन में जहाँ पर ब्लिस्टर पैकेजिंग काफ़ी यूजफुल होती है। जैसे बारिश के दिनों में जब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमारी ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। वहीं अगर हमारी जो प्रोडक्ट के अगर ग्लास कंटेनर्स के अंदर अगर हमारी टेबलेट्स होंगी तो सीधी सी बात है ह्यूमिडिटी कंडीशन में तो सभी की सभी, जैसे ही आपने कंटेनर खोला उसकी पैकेजिंग हटाई तो सारी टेबलेट, पता चला उसके अंदर 50 टेबलेट है, 50 टेबलेट जो होगी वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और हो सकता है कि डिग्रेड हो जाए। तो ब्लिस्टर पैकेजिंग में ये फायदा है कि यहाँ पर आपको जिस टाइम पे एक टेबलेट यूज करनी तो आप एक ही टेबलेट को निकालो, बाकी टेबलेट एज इट इज पैक रहती है। उसके अलावा ये भी फायदा है कि जितनी ब्लिस्टर की जितनी भी स्ट्रिप्स होती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग की जो स्ट्रिप होती है उन सभी के अंदर अलग अलग सभी ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर आपको सभी के अंदर प्रॉपर फॉर्मुलेशन मिल जाएगा, उनकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंपनी का नाम, बैच नंबर सभी सिस्टमेटिक वे में हर ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर होता है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फायदा जो आज ब्लिस्टर पैकेजिंग का हुआ है उसका ये फायदा हुआ है कि ये पैकेजिंग काफ़ी फास्ट होती है। और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी पैकेजिंग अवेलेबल ही नहीं है जो प्रोडक्ट को इतने दिनों तक स्टेबल रख सके। तो सबसे अच्छा तरीका यही एक प्रॉपर पैकेजिंग है जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो काफ़ी टाइम तक स्टेबल बना हुआ होता है, क्योंकि एक टाइम पे आप एक टेबलेट निकाल सकते हो, बाकी टेबलेट्स एज इट इज़ रहती हैं और वो जब तक आपके पास वो स्ट्रिप है तब तक वो एज इट इज़ पैक रहेगा, और जब भी आपको स्ट्रिप से एक टेबलेट निकाल लिया आप निकाल लो, बाकी एज इट इज़ रहेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर एज कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर्स से, ठीक है। तो ये सबसे अच्छे फायदे हैं। और दूसरी चीज़ तो ये है कि इसमें एल्यूमिनियम फॉइल की लीड लगी हुई है, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो होगी वो टेबलेट को वैसे स्टेबल रखेगी, थर्मोस्टेबल भी रखेगी और प्रोडक्ट को बिल्कुल स्टेबल बना के रखेगी। तो यहाँ पर आप देखें तो ब्लिस्टर पैकेजिंग के फायदे काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी वजह से आज की डेट में ब्लिस्टर पैकेजिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।